top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. 100% electric. इसका मतलब ये है कि इसमें कोई पेट्रोल का, डीजल का या सीएनजी का कोई इसी तरह का इंजन नहीं है। सारा का सारा बस जो चलती है इलेक्ट्रॉनिक से द्वारा चलती है और उसमें एप्लीकेशन रहती है जिसके द्वारा आप पूरी बस को अदर यूसेज भी कर सकते हैं। वाईफाई होगा इसके अंदर, इसके अंदर सारे तरह की सुविधाएँ होंगी, इंटरटेनमेंट की सारी सुविधा होगी। सारी बस में आपके स्पीकर्स और सारे जो जैसे बोर्ड पे जो चीज़ें रहती हैं वो इसमें लगा सकते हैं। तो इसलिए ये एक नया प्रोडक्ट है और ये पहली बार दुनिया में अब आना शुरू हुआ। सबसे पहले ये चाइना और अमेरिका में, अभी और देशों में ये कम तरह से आ रहा है, पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने पहल करी है कि इंडिया शुड जंप टेक्नोलॉजी। हम लोग को इस रूट पर नहीं जाना है कि पहले पेट्रोल बनाए, फिर डीजल बनाए, फिर सीएनजी बनाए और फिर हाइब्रिड बनाए और फिर इलेक्ट्रिक बनाए। अपने सीधे जब बात तो जब अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक इज़ द बेस्ट, इसमें ज़ीरो पॉल्यूशन, किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं है। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये अब आ गई। पहली बार अभी तक ये टेक्नोलॉजी लोग देने को तैयार नहीं है। हमारी इस कंपनी से पिछले 10 साल से बातचीत चल रही है। हमने उनको बताया है कि ये हम सिंगापुर में चले जाए, फिर सिंगापुर से जो कंपर्शन हो उसके कब से धुआं निकलेगा या जो भी है उसको जलाया जाए, इसी तरह से जलाए, उससे जो एनर्जी आती है वो एनर्जी कम, इसमें बैटरी के द्वारा एनर्जी। और जैसे कि आप फ़ोन की बैटरी रात को चार्ज कर लेते हैं, अपना इंजन जो है रात को चार्ज हो जाता है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी में लोड भी नहीं है। क्योंकि जितने ग्रिड्स हैं वो जनरली 50% यूज़ होते हैं रात को, मोस्ट ऑफ द ग्रिड्स आर फ्री, तो ग्रिड पे भी कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं, कभी 200 से 300 है। वहाँ 100% आजकल इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उन्होंने सारी डीजल बसेस, सारी सीएनजी बसेस को हटा दिया। बिकॉज सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन से आप कैसे इजाद पाए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो जो 70% कंट्रीब्यूशन व्हीकल्स कहाँ की बी वाई टी। ये कंपनी ने रिसर्च करके, इसमें बहुत अमेरिकन का इन्वेस्टमेंट है, वॉरेन बफेट ने भी इसमें इन्वेस्ट किया और इसमें अभी इन्होंने मर्सिडीज बेंज ने भी इनसे टाइप किया। तो ये कंपनी पिछले 15 साल से इसमें लगी हुई है और इन्होंने अब जो करके टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा लिया। तो ये अब बड़ी कंपनी है जिसका कि टर्नओवर बड़ी, मतलब 15 बिलियन डॉलर की कंपनी है मार्केट में, और जो मर्सिडीज बेंज है 80 बिलियन डॉलर की कंपनी है, वो भी इसमें मिली है गाड़ी बनाने की, बस के लिए। तो ये बस भी है, गाड़ियाँ भी बनी हुई, पूरी टेक्नोलॉजी है। कितने की आती है बस लगभग? प्राइस तो देखिए, वहाँ पे जो प्राइस है वो करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में भारतीय बाजार। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट कितनी ड्यूटी लगाती है, तो इसलिए जो बसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, उनमें दुनिया भर में इंसेंटिव देते हैं, यहाँ डिसइंसेंटिव देते हैं, अभी ड्यूटी लगती है।